जनसुनवाई में पहुंचे कॉलोनाइजर द्वारा ठगे लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर उन्होंने अरबाब माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की है। वीडियो में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट नगर के सामने शिवम नगर नाम से विकसित हो रही कॉलोनी में उनके द्वारा प्लॉट खरीदे गए थे। वहीं कॉलोनाइजर ने वादा किया था कि कॉलोनी में सभी सुविधाएं होंगी और कॉलोनी पूर्ण विकास किया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक न कोनों में हुआ है ना ही उन्हें उनके द्वारा खरीदे गए प्लाटों के कब्जे दिए गए। पीड़ितों का कहना है कि उनके द्वारा कई बार कॉलोनाइजर से संबंध में कहा गया, लेकिन हर बार में टालमटोल कर दिया जाता है। डंपी खान की रिपोर्ट। जी बताइए, आप क्या है मामले? आज हमें अपनी सब प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए, प्लॉट के लिए, कब्जा लेने के लिए कुछ लोगों को रसीदें दी गई, उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई, जिनकी रजिस्ट्री हुई नामांतरण हो गए, उनको कब्जा नहीं दिया गया। ये कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर के सामने है, शिवम नगर कॉलोनी के नाम से विकसित की गई थी। 25 सालों से लोग मांग रहे हैं, अपनी जमीन के लिए भटक रहे हैं बार बार। पहले भी प्रशासन ने शिविर आयोजित किए, लेकिन शिविरों का नतीजा ही रहा, आज तक हमको कब्जा नहीं मिला हमारे प्लाट में। बार बार भूमाफी अभियान आता है लेकिन कब्जा नहीं मिलता। प्रशासन ने पहले इसमें जुर्माना आरोपित किया था अवैध कॉलोनाइजर्स के ऊपर, लेकिन जुर्माने का भी आज तक भुगतान नहीं हुआ। ना नगर पालिका इसका विकास कर रही है, ना प्रशासन कुछ कर रहा है। क्या मामला है? ये मामला है ग्राम बमोरी बुजुर्ग ट्रांसपोर्ट नगर के सामने, पटवारी हल्का लगता है मऊगढ़ा, गुना ग्रामीण तहसील है। इस संबंध में पहले भी अनेकों आवेदन दिए गए हैं, अनेकों बार आए हैं। किन लोगों ने पैसे लिए थे आपसे जमीन के? इनमें जो प्रमुखता से जो विक्रेता रहे हैं इस भूखंड के, मैं बता देता हूँ। सोनू पुत्र सूरजमल पाटनी, निवासी पोस्ट ऑफिस गली रोड जी गुना। विनोद अग्रवाल पुत्र कैलाश नारायण अग्रवाल, बाबूलाल पुत्र नन्नूलाल जैन पुरानी गल्ला मंडी, सुरेंद्र माथुर लक्ष्मी नारायण माथुर निवासी गुना, रमेश चंद ओमकार लाल अग्रवाल निवासी गुना, श्रीमती शोभना चौधरी प्रमोद चौधरी, प्रमोद चौधरी पुत्र नेमी चंद जैन हाल निवासी इंदौर, पहले के निवासी गुना। भाई आपने आवेदन दिए कलेक्टर साहब से, क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने टाइम लिमिट समय सीमा के अंदर रखने की बात कही है। समय सीमा में इसका निराकरण होता है तो बेहतर है, अन्यथा हम कोर्ट में अलग।